बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। रूहानी बस्ती करसाल के पीर निसार कासम और पीटीआई के रहनुमा ये इधर जुम्मे के रोज चकवाल प्रेस क्लब आए हैं। ये जुमरात एक नशस्त उनके साथ तय थी, मगर वो धुंध में फंसने की वजह से मोटरवे पर प्रेस क्लब नहीं थे पहुंच सके, तो ये अब जुमे को अभी नशस्त हुई है। तो ये अब ये चकवाल प्रेस क्लब पहुंचे पीर निसार कासम, तो चकवाल प्रेस क्लब के अहदेदारान शफीक मलक, दुल्फकार मीर, इफ्तार अहमद मरान, दफर मलक, फ़कीर खालिद मलक, राजा साकब अब्बास, मोहम्मद खान आकल, ये उन्होंने उनको खुश आमदीद कहा। और इस मौके पर उन्हें चकवाल प्रेस क्लब के मुख्तलिफ शोबे दिखाए गए और उस मौके पर बताया कि ये गुज़श्ता 14-15 माह से प्रेस क्लब जो एक बड़ा वोकल वाइब्रेंट प्रेस क्लब था, वो कोरोना की वजह से और कई दीगर मामलों की वजह से उसकी सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासर हुई थी। तो बारह लाभ इस मौके पर चेयरमैन चकवाल प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम महमूद ने बताया कि ये अब हम डिजिटल प्रेस क्लब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पंजाब हुकूमत की तैयारी ये बताती है कि मुखलस है, सिंसियर है इलेक्शन के हवाले, और मेरा ख्याल है कि मई जून तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। तैयारी के हवाले से ज़्यादा बात है, मेरी पूरी अपनी ज़ाती कोशिश है अपने एक मुख्तसर से वजूद के साथ कि हमारे ज़िले में तमाम जितने भी हमारे पीटीआई के और काफ के दोस्त और अहबाब हैं सारे मिलकर ये इलेक्शन लड़ें ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। इश्यूज़ हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, महंगाई एक इशू है, हमें बल्दियाती इलेक्शन से पहले महंगाई पर लाजमी काबू पाना होगा ताकि हम मैसेज में एतमाद के साथ जा सकें और उनसे वोट मांग सकें। जहाँ तक चकवाल की परफॉर्मेंस की बात है, चकवाल में अगर हमारी पार्टी में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स हर ग्रुप में हैं, नून में हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इस वक्त उनका जो आप देखें एक बड़ा गैरफितरी सा इतिहाद सदा गुलाम बाज के साथ बनने जा रहा है, उस गैरफितरी इतिहाद का ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पीटीआई उठाएगी और हम इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में अच्छा डिलीवर करके आपको दिखाएंगे।